नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक्सेल की, और एक्सेल में हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसके लिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम है, एक है बजट कॉस्ट, एक है एक्चुअल कॉस्ट, और इसमें से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे ये माइनस वाला हम करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले A2 मतलब बजट कॉस्ट है पहली वाली 2500, दूसरी है एक्चुअल कॉस्ट 1200, इसमें से माइनस करेंगे। माइनस कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसके लिए आपको जहां सब्ट्रैक्ट करना है उस सेल पे इज इक्वल टू लगाना है। उसके बाद में हमें यहां पे बजट कॉस्ट से माइनस एक्चुअल कॉस्ट करना है। तो देखिए, बजट कॉस्ट ये जो हमारी सेल वैल्यू है A2, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में माइनस करेंगे और एक्चुअल कॉस्ट 1200, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए A2 माइनस B2। अब A2 कैसा, A कॉलम उसके बाद में रो 2, मतलब ये देखिए A2 उसके बाद में माइनस किया गया B2, इस तरह से एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 1300 लिख के आ गया। अब सिंपली यहाँ से इसको उठाएंगे और ड्रैग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये माइनस 2345, इसको थोड़ा कलर अलग कर देते हैं, ब्लैक करते हैं और इसको भी ब्लैक कर देते हैं। अब ये माइनस है मतलब क्या है, हमारा बजट कॉस्ट था 6500 और एक्चुअल लग गया 1845, मतलब 2345 यहाँ पे पैसा ज्यादा लगा और यहाँ पे 996 पैसा ज्यादा लगा। और बाकी जब ये रेड कलर आ रहा है मतलब ये कि यहाँ पे हमने एक्चुअल कॉस्ट जो है वो बचा के रखी है। बजट था 2500 में, हमने काम कर दिया 1200 में, मतलब 1300 रुपए यहाँ पे सेविंग कर दिए। तो इस तरह से आप माइनस जो कि सब्ट्रैक्शन कहलाता है ये प्रोसीजर आप कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।